ड्रेन ऑफ वेल्थ। देखिए 1757 में बैटल ऑफ प्लासी से पहले व्हाट हैपन्ड वाज दैट यूरोपियंस दे यूज्ड टू बाय आर इंडियन गुड्स, इंडियन कॉटन, इंडियन सिल्क, एंड देन दे यूज्ड टू पे अस बुलियन इन रिटर्न। सो बुलियन वाज कमिंग इनटू माय कंट्री, बट द सिचुएशन चेंज्ड आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी बिकॉज नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी हैड इट्स फीट ग्राउंडेड इन इंडिया। सो वॉट हैपन वॉज बिफोर 1757 देयर यूरोपियन ट्रेडर्स इंपोर्टेड बुलियन इन इंडिया। Imported bullion in India, right? But after Battle of Plassey, that is in 1757, East India Company won that Battle of Plassey, and the situation was reversed. Now, whatever revenues they were getting from Bengal, उन revenues में से ही वो हमारे goods buy कर लेते थे। और हमारी हमारे देश के अंदर कोई बुलियन नहीं आता था, राइट? सो सिचुएशन रिवर्स्ड। कैसे सिचुएशन रिवर्स्ड? बंगाल से जो रेवेन्यू आया, जो प्रॉफिट्स आए, वो उन्होंने उसी से चीजें बाय कर ली। हमारे देश के अंदर कोई बुलियन नहीं आया, सो ये हमारे लिए बुरा था। जब जब बंगाल का प्लंडर स्टार्ट हुआ, तो वहीं से पूरे देश का प्लंडरिंग भी स्टार्ट हो गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, राइट? और दादाभाई नारोजी और एमजी रानडे, आरसी दत्त, ये पहले लोग थे जिन्होंने कहा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। क्या है ड्रेन ऑफ वेल्थ? लिखते हैं कुछ, एक लाइन लिखेंगे, नेशनलिस्ट इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिस्ट सच एज दादाभाई नौरोजी, एम जी रानडे, आरसी दत्त, उन्होंने कहा कि हमारे देश में ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। ड्रेन का मतलब है कि हमारे देश से वेल्थ, हमारे देश से रिसोर्सेस, हमारे देश से कमोडिटीज इंग्लैंड जा रही थी, और ये जो वेल्थ जा रहा था, ये जो रिसोर्सेस जा रहे थे, जो कमोडिटीज जा रहे थे, इनके अवज में हमारे पास पैसा नहीं आ रहा था इन प्रपोर्शन, राइट? तो कोई हमारे को कमर्शियल इकोनॉमिक रिटर्न्स नहीं मिल रहे थे। उन्होंने सबसे पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बात करी थी इन लोगों ने। इन्होंने कहा इट इज द ट्रांसफर ऑफ वेल्थ ट्रांसफर ऑफ वेल्थ एंड कमोडिटीज। फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन विदाउट रिसीविंग प्रोपोर्शनल, ये लिखना है बेटा, ये सब चीजें इकोनॉमिक
कमर्शियल और मटेरियल रिजल्ट्स। जब तक कि वो राइट अलोंग साइड चीजें याद नहीं रहती हैं इतनी। सो ड्रेन भी बहुत तरह की थी। उन्होंने कहा अगर आप ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बात करें, हमारे देश के अंदर यूरोपियंस थे, वो यूरोपियंस अपनी सैलरीज, अपने प्रॉफिट्स इंग्लैंड में भेजते थे, वो रिसोर्सेस बाहर चले गए, एक तो ये तरीका था। कंपनी के एम्प्लॉयज अपनी सेविंग्स बाहर भेजते थे, वो इंग्लैंड में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते थे, इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। जो ब्रिटिश एम्प्लॉयज थे मेरी कंट्री के अंदर इंडिया में, वो भी ब्रिटेन के ही गुड्स खरीदना चाहते थे, हमारे देश के गुड्स नहीं खरीदना चाहते थे। तो जब वो ब्रिटेन के गुड्स खरीदेंगे तो हम इंपोर्ट्स के पैसे देंगे ना, तो मेरे देश में बैठे तो मेरे देश के गुड्स खरीद लो, ऐसा भी नहीं था। गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी जो गुड्स ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर हो रहे थे उनको खरीदना चाहती थी। इंटरेस्ट चार्जेस ऑन पब्लिक डेट बाय ब्रिटेन, ब्रिटेन से हमने पब्लिक डेट लिया हुआ था, उस पब्लिक डेट को भी हमारे को पहले भरपाई करनी थी, उस पर से उसमें इंटरेस्ट चार्जेस भी देने थे। होम चार्जेस आर, देखिए बहुत से लोग इंग्लैंड के हमारे यहाँ काम करते थे, ठीक है, उनके पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कमर्शियल कनेक्शंस थे बिटवीन इंडिया, वो हमारे पॉलिटिकल, कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कनेक्शंस थे बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, उनको पैसा भी देना पड़ेगा ना। उन्होंने अगर पूरी लाइफ यहाँ पे काम करा है तो उनको पेंशन भी मिलेगी, तो ये भी रेमिटेंसेस थे, ये भी सॉरी ये भी हमारी पेमेंट्स थी। तो ये बहुत से रीजंस थे जिनसे पैसा मेरे देश से बाहर जा रहा था। दैट वाज देयर, राइट, दैट वाज देयर। अच्छा, उन्होंने कहा बहुत से फैक्टर्स थे जिससे आप ये कह सकते हो कि जो कि रिस्पॉन्सिबल थे ड्रेन ऑफ वेल्थ के लिए, वो क्या फैक्टर्स थे? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, और ड्रेन ऑफ वेल्थ, राइट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रेन ऑफ वेल्थ। पहली बात तो ये कि फॉरेन गवर्नेंस थी हमारे देश में, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर था, ये सबसे बड़ा फैक्टर था कि मेरे देश से जो वेल्थ थी वो बाहर जा रही थी। क्यों? क्योंकि जो फॉरेन गवर्नेंस गवर्नमेंट होगी तो फॉरेन गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट को मेरे इंटरेस्ट से ऊपर रखेगी ना, तो वो चाहेगी कि ब्रिटेन का फायदा, वो क्यों चाहेगी कि इंडिया का फायदा। उसकी वजह से वो पूरे के पूरे जो भी उनके तरीके थे वो अपनाते थे कि मेरे देश से पैसा उठ के बाहर चला जाए। दैट वाज वन थिंग। लैक ऑफ इमिग्रेशन, दिस इज नॉट ट्रू दैट पीपल फ्रॉम आउटसाइड कंट्रीज दे वर कमिंग टू इंडिया टू वर्क, नो, बिकॉज विद इन केस इफ इमिग्रेशन इज गोइंग टू हैपन देन दे विल ब्रिंग रिसोर्सेज एंड दे विल ब्रिंग देयर ओन नॉलेज एंड दे आर गोइंग टू ब्रिंग लेबर एंड कैपिटल टू माई कंट्री एंड हेंस दैट विल बी हेल्पफुल इन माई इकोनॉमिक ग्रोथ, बट दैट वॉज नॉट हैपनिंग, राइट। देन आई बींग इंडियन विल हैव टू पे फॉर द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी। आर्मी तो वो इंडियन आर्मी क्या थी भैया, वो था थी तो ब्रिटिश आर्मी ही। पेमेंट सारी गवर्नमेंट उनकी, सब कुछ उनका, लेकिन रिसोर्सेस हमारे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। एन ऑक्यूपेशनल आर्मी, राइट, एम्पायर बिल्डिंग,
सो विद इन बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, इंडिया विल हैव टू पे फॉर बिल्डिंग अप द एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, एंड इवन आउटसाइड बॉर्डर्स इंडिया के ही रिसोर्सेज यूज हो रहे थे इन ब्रिटिशर्स के लिए, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर हो। एक्सप्लॉइटेटिव, फ्री ट्रेड, एक्सप्लॉइटेटिव फ्री ट्रेड, राइट। सो देखिए, ओपनिंग द कंट्री टू फ्री ट्रेड वॉज अ मीन्स एक्चुअली टू एक्सप्लॉइट इंडिया, राइट। आप कहते नहीं, फ्री ट्रेड होगा इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, फ्री ट्रेड होगा, ये आपने क्यों करा? ये आपने इसलिए करा सो दैट यू कैन आस्क ब्रिटिशर्स टू कम टू इंडिया एंड यू विल बी पेइंग देम वेरी हाई सैलरीज, सो दैट विल ऑल्सो रिजल्ट इन ड्रेनिंग ऑफ वेल्थ आउटसाइड माई कंट्री। सो दीज वर फ्यू फैक्टर्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रेन ऑफ वेल्थ, राइट, एन एस्टिमेशन ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। देखिए, प्रॉपर एस्टिमेट नहीं है, एस्टिमेशन ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। देखिए, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ को पता करना मुश्किल है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं। दादा भाई नारू जी कहते हैं कुछ 200 to 300 million pounds, राइट, मिलियन पाउंड्स एनुअली होता था, राइट। एम जी रानडे कहते हैं वन थर्ड ऑफ इंडिया टोटल इनकम, वन थर्ड ऑफ इंडिया टोटल इनकम, राइट। विलियम डिगबाय, ही सजेस्टेड ड्रेन वॉज अराउंड 60080 million pounds बाय द एंड ऑफ 19th century। बाय द एंड ऑफ 19th century, राइट। सो देखिए, ये बात तो है ही कि इसकी भी तो क्रिटिसिज्म होगा ही होगा कि जो बहुत ही क्रूड एस्टिमेट्स हैं ये, इसकी नेशनलिस्ट फॉर्मुलेशंस हैं और बहुत ही एग्जैजरेटेड है, ये कुछ क्रिटिसिज्म्स थे ड्रेन ऑफ वेल्थ की। दादा भाई नारू जी ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने ये इसके लिए मेंशन करा था। इस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। एन अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, कुछ पॉइंटर्स हैं, आपको डेफिनेटली रीड करनी होगी बुक्स, बट कुछ पॉइंटर्स हैं विच कैन हेल्प यू टू रीड दिस ड्रेन ऑफ वेल्थ, राइट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू बेटा।